गुड इवनिंग एवरीवन, आई होप आपको स्क्रीन बिल्कुल क्लियर दिख रही है। अगर कोई इश्यूज़ हैं तो प्लीज़ बता दीजिएगा। सभी का स्वागत है एक बार फिर से। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं वहीं से जहां से कल छोड़े थे। कल हम लोग, अभी हमारा पूरा टॉपिक चल रहा है स्टैटिक्स एंड डायनेमिक, स्थैतिकी एवं गतिकी के क्वेश्चंस हम लगा रहे हैं, कंसेप्ट लगातार सीख रहे हैं। चलिए तो आज करेंगे कुछ और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस स्थैतिकी एवं गतिकी के। तो आपके सामने आज जो प्रश्न है वो ये प्रश्न है, देखिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 पर कल हमने अपना क्लास स्टॉप किया था और क्वेश्चन नंबर 34 से ही आज हम अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 12 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से उत्तर दिशा की ओर जाने वाले एक जहाज को 10 किलोमीटर पूर्व में एक जहाज जो है देखता है, 10 किलोमीटर पूर्व में एक जहाज दिखाई देता है, ठीक है, जो 16 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से पश्चिम की ओर जा रहा है, ठीक है। कुछ समय पश्चात वे एक दूसरे से न्यूनतम दूरी पर होते हैं, उस समय उनके बीच की दूरी क्या होगी। तो पहली चीज़ देखिए समझिए, ये है कि जो विद्यार्थी TGT की तैयारी कर रहे हैं वो ये देखिए, ये प्रश्न PGT में आया हुआ है, और PGT में आया है मतलब ये प्रश्न जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट है और इसमें 2-3 कंसेप्ट मिला करके ये क्वेश्चन बना हुआ है। TGT में आमतौर पे ऐसा सवाल नहीं आता है, तो इस सवाल को बताने का मकसद आपको डिमोटिवेट करना नहीं है। इस सवाल को मैं बता रहा हूँ तो आप इसको इस प्रयास के साथ सीखिए कि मैं यहाँ पर आपको कई कंसेप्ट एक साथ बताऊँगा, मतलब मैं 2-3 मेथड आपको यहाँ पर एक साथ बताऊँगा इस सवाल में। आइए देखते हैं, तो इसको हल करता हूँ मैं, चलिए स्टार्ट करेंगे। तो क्या कह रहा है सबसे पहले इसमें कि 12 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से उत्तर दिशा की ओर जाने वाला एक जहाज। तो भैया सबसे पहले जो है आप जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से उत्तर दिशा, तो फिजिक्स का सवाल है, दिशा बना लीजिए, ये होता है नॉर्थ फिजिक्स में, पेपर के तल में ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट। तो एक जो जहाज है वो उत्तर दिशा में जो है वो जहाज जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर दिशा की ओर चल रहा है। तो ये मान लीजिए ये उत्तर दिशा की ओर जहाज जो है ये 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अग्रसर है, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये अग्रसर है, लगातार ऊपर चला जा रहा है, बढ़ा जा रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि इस जहाज को 12 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से उत्तर दिशा की ओर जाने वाला एक जहाज को 10 किलोमीटर पूर्व में एक जहाज दिखाई देता है, मतलब यहाँ से मान लीजिए इस पॉइंट पर इसका वेग जो है 12 है, तो मतलब कोई ऐड कर दें, तो यदि मैंने आपसे ये बताया कि इस बिंदु पर इसका वेग कितना है 12 है, जिस समय यहाँ से ये गुजर रहा है उसको 10 किलोमीटर पूर्व में एक जहाज़ दिखाई दे रहा है, मान लीजिए 10 किलोमीटर पूर्व यहाँ तक है, 10 किलोमीटर पूर्व में ये जहाज़ इसको दिखाई दे रहा है, जिस समय ये यहाँ पर था उस समय इसको दिखाई दिया। अब आप कहेंगे इतना ऊंचा क्यों बना दिया आपने, भाई इसकी ये वेग का सदिश है, स्थिति यहाँ पर है और इसको 10 किलोमीटर पूर्व में एक जहाज़ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये जहाज़ है, ये आ रहा है, ठीक है ना, ये जहाज़ दिखाई दे रहा है जो 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम दिशा, तो पश्चिम दिशा कहाँ है, यहाँ है वेस्ट, तो यहाँ से ये 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में चल रहा है, ठीक है ना। अब कह रहा है कुछ समय पश्चात भी एक दूसरे से न्यूनतम दूरी पर होंगे, अब समझो भाई प्रश्न का जो अब टाइप है थोड़ा सा चेंज होगा, ये चलते 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 ये जो जहाज़ है, रेड कलर से मैं बता रहा हूँ, ये जो जहाज़ है चलते 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 मान लीजिए यहाँ पर पहुँच जाता है, ठीक है, चलते चलते यहाँ पर पहुँच जाता है, कितना समय, टी समय लेता है, ये मान लीजिए टी समय पे, मतलब जिस समय हमने देखा नज़र पड़ी उस समय 0 सेकेंड था,
टी समय पर ये जहाज़ यहाँ पर पहुँच गया, तो आप निकालिए दूरी कितनी होगी। तो दूरी बराबर वेग गुणे समय, चाल गुणे समय, ये होता है क्योंकि वेग बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय का फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा और आपकी दूरी यहाँ पर आ जाएगी। दूरी इस तरफ से कितनी हो जाएगी, 16 किलोमीटर के हिसाब से टी सेकंड में चली गई दूरी बराबर यहाँ तक का कितना बन जाएगा, 16 टी, परंतु टोटल दूरी कितनी है, 10 है, तो 10 में से 16 टी माइनस हो गए, मतलब हमारे काम की ये वाली जो दूरी है, ओके, ये वाली जो दूरी बन रही है हमारे काम की, ये कितनी बनेगी, ये वाली दूरी बनेगी 10 माइनस 16 टी, ओके, किलोमीटर, 10 माइनस 16 टी किलोमीटर, ओके, तो ये कितनी बनी, 10 माइनस 16 टी किलोमीटर। और याद रखिए यहाँ पर टी आपको घंटे में लेना पड़ेगा क्योंकि 16 किलोमीटर प्रति आवर है और आपने टी आवर लिया है, तभी आवर से आवर कैंसिल होगा और यहाँ की दूरी किलोमीटर में बचेगी। तो अपने पास 10 माइनस 16 टी क्या हो गया, किलोमीटर यहाँ तक की दूरी, ओके, तो यहाँ तक की दूरी हो गई 10 माइनस 16 टी। अब दूसरी परिस्थिति देखिए, 10 माइनस 16 टी यहाँ की दूरी तो ठीक है, दूसरी परिस्थिति इतने ही समय में टी सेकंड में ये 12 किलोमीटर के हिसाब से ये कितना चल चुका होगा, 12 टी। भाई 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है तो टी घंटे में कितना चल चुका होगा, 12 टी, क्योंकि 12 किलोमीटर प्रति घंटा और टी घंटे, टी आवर, आवर से आवर कैंसिल, मतलब 12 किलोमीटर ये चल चुका है। और अब ये बनी इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी, ये बन गई, इसका नाम ले लो ओ ले लो, इसका नाम ले लो पी और इसका नाम ले लो क्यू। अब लगा दीजिए भैया पाइथागोरस थ्योरम, कहाँ कहाँ लग जाएगा, देखिए ये जो नीचे वाली दूरी है वो है 10 माइनस 16 टी, जगह थोड़ी कम पड़ रही है, जो नीचे वाली दूरी है यहाँ तक की ये है 10 माइनस 16 टी, और ऊपर वाली जो दूरी है वो कितनी है, 12 टी, और न्यूनतम दूरी इन दोनों के बीच की कौन सी वाली होगी, ये वाली, तो हमको इस दूरी को न्यूनतम करना है। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम से इसका कुछ भी नाम ले लो, ओ ले लो, ये पी ले लो और ये क्यू ले लो, तो पाइथागोरस थ्योरम से पी क्यू का स्क्वायर बराबर ओ पी का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर, तो पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू, तो पी क्यू स्क्वायर हमको निकालना है ओ पी का स्क्वायर 12 टी का स्क्वायर प्लस ओ क्यू यानी 10 माइनस 16 टी का होल स्क्वायर। चलो भैया इसको सॉल्व कर दें, है ना, इसको सॉल्व कर दें। अब यदि इसको आप सॉल्व कर लेते हैं तो भी कोई बुराई नहीं है, और सॉल्व ना भी करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व कर ही लेते हैं, पी क्यू स्क्वायर बराबर 12 टी का स्क्वायर हो गया 144 टी स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 256 टी स्क्वायर, और माइनस 10 गुणे 10 16 दुनी 320 टी। बोलिए सर ठीक है, हाँ सर, सूरज सर समझ में आ रहा, क्लियर है सर को, ओके सर, इसको सॉल्व करते हैं तो 144 और 256 चारों 6 10 हो गए, और 4 5 और 9 फिर से 1 हो गया, है ना, और कितना हो गया, 2 1 3 4 1 4 मतलब सर ये 400 बन जाएगा ना, 400 टी स्क्वायर, 400 टी स्क्वायर। चलिए सर 400 टी स्क्वायर हो गया है ये, ओके, और 400 टी स्क्वायर माइनस 320 टी प्लस कितना 100। देखिए अब हमें पी क्यू को क्या करना है, मिनिमम यानी उच्चिष्ठ व निम्निष्ठ के कंसेप्ट यहाँ पर लगने वाले हैं, उच्चिष्ठ व निम्निष्ठ के कंसेप्ट लगने वाले हैं। अब मैं आपको बता दूँ कि यदि वर्ग समीकरण में आप अगर जैसे आपको यहाँ पर किसको निम्निष्ठ करना है, यहाँ पी क्यू स्क्वायर है, मगर आपको किसका न्यूनतम मान चाहिए, पी क्यू का, मतलब क्या है, दिमाग क्या लगाना है, हमें किसकी निम्निष्ठ मान चाहिए, हमें पी क्यू का निम्निष्ठ मान चाहिए है, और जहाँ पर पी क्यू का निम्निष्ठ मान होगा वहीं पर पी क्यू स्क्वायर का भी निम्निष्ठ मान होगा,
मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इस पी क्यू के निम्निष्ट मान के लिए आपको अंडर रूट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप पी क्यू स्क्वायर का ही निम्निष्ट मान निकाल लीजिए। आप पी क्यू स्क्वायर को एक फलन मान लीजिए जेड, क्या मान लीजिए जेड। तो पी क्यू स्क्वायर का निम्निष्ठ मान जिस बिंदु पर निकलेगा उसी बिंदु पर पी क्यू का निम्निष्ठ मान निकलेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वर्ग समीकरण जो होता है वो पैराबोला आपको दिया करता है। वर्ग समीकरण किसी का स्क्वायर जो होगा वो आपको पैराबोला दिया करता है, ठीक है ना। अगर आपके पास पैराबोला की न्यूनतम वैल्यू जिस बिंदु पर मिलेगी तो उसके रूट की भी न्यूनतम वैल्यू उसी बिंदु पर मिलेगी। मतलब जिस बिंदु पर पी क्यू स्क्वायर का मान न्यूनतम होगा उसी बिंदु पर पी क्यू का मान भी क्या होगा, न्यूनतम होगा। तो आपको इसको सॉल्व कर लो डायरेक्टली, इसको जेड मान लिया आपने तो जेड बराबर कितना हो गया 400t स्क्वायर माइनस 320t और प्लस कितना 100। देखो हमें चाहिए है न्यूनतम मान पी क्यू का, हमें चाहिए न्यूनतम मान पी क्यू का, मगर हम जो मेथड लगा रहे हैं अपनी मैक्सिमा मिनिमा की हम किस पे लगा रहे हैं, पी क्यू स्क्वायर पे। चलो अब इसको क्या कर दो, आपको पता होगा निम्निष्ठ और उच्चिष्ठ के लिए क्या निकालते हैं, डी जेड बाई डी टी डिफ्रेंशिएट कर दिया तो 400t का कितना हो जाएगा 800t, क्योंकि टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा 2t माइनस 320 और ये तो 100 इसका 0 हो गया। और आपको पता है उच्चिष्ठ और निम्निष्ठ के लिए जो प्रथम अवकलज होता है डी जेड बाई डी टी उसको किसके इक्वल दिखाएंगे, 0 के इक्वल। तो 800 माइनस 320t, 820 कितना आया था, 820t है, हाँ 820t माइनस 320 बराबर 0, 800t बराबर 320, तो t बराबर 320 बटे कितना 800 घंटे आवर, इतने आवर में जो है आपका वो आपका न्यूनतम जो है आपका जो है न्यूनतम दूरी आपको दिखाएगा, है ना, इतने घंटे पे। तो इस घंटे को आप जो है बदल लो, इसको काटा कुटी कर दो तो t बराबर 320 बटे 800, काटा 0 0 कैंसिल, 8 से 10 बार 80, 4 बार 32, तो समय बराबर 4 बटे 10, बोले तो 2/5 घंटे पर ये दूरी न्यूनतम होगी। अब आपको न्यूनतम दूरी भी निकालना है तो न्यूनतम दूरी क्या निकालनी है, पी क्यू। तो पी क्यू का आपको चाहिए है निम्निष्ठ मान, पी क्यू का निम्निष्ठ मान, और ये मान आ रहा है 2/5 घंटे पे। तो आइए देखते हैं पी क्यू का निम्निष्ठ मान कैसे निकालेंगे। पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या है, पी क्यू स्क्वायर का मान है 400t स्क्वायर, मतलब 2/5 का होल स्क्वायर, 400 2/5 का होल स्क्वायर माइनस 320t माइनस 320 गुणे 2/5 और प्लस का कितना है 100। ये निकलेगा इसका पी क्यू स्क्वायर का निम्निष्ठ मान, 400t स्क्वायर माइनस 320t प्लस 100। आइए इसको सॉल्व करते हैं, 400 गुणे 4/25 माइनस 320 गुणे 2 यानी कि 320 यानी 32 × 640/5 और प्लस में कितना 100। आइए इसको सॉल्व करते हैं, 25 × 8 = 200 होता है तो 25 16 बार जाएगा 400, 16 गुणे 4 हो गया कितना 64, और लास्ट में 100 है इसको आगे कर दो और 640 में 5 का भाग दे दो तो 5 × 5 एक बचा यहाँ 4, 5 × 2 = 10 और 4 × 5 कितना हुआ जी 129, सही लिख रहा हूँ मैं सर 128 आठ सर, हाँ 8 है सॉरी सर 128 बिल्कुल, और तो माइनस का 128 तो 164 और माइनस का 128 बताइए कितना है, 164 में से 128 माइनस कीजिए 36, मतलब यहाँ पर पी क्यू स्क्वायर का मान कितना आया है 36 आया है, पी क्यू स्क्वायर का मान है 36। कौन सा मान है ये, न्यूनतम मान है, पी क्यू स्क्वायर का न्यूनतम मान है। तो पी क्यू बराबर अंडर रूट 36 बराबर कितना होगा 6 किलोमीटर, निगेटिव हो नहीं सकता है क्योंकि दूरी है, तो आंसर होगा 6 किलोमीटर अर्थात
समय लगेगा न्यूनतम, न्यूनतम समय जो आया वो कितना आया अपने पास, 2/5 कितना आया था भैया, 2/5 घंटे। और जो न्यूनतम दूरी आएगी, न्यूनतम जो दूरी आएगी वो आएगी 6 किलोमीटर। कहिए मित्रों समझ में आया कि नहीं आया? सर आ गया? हाँ हाँ सर। हाँ जी सर, चलिए तो अगला चलते हैं आगे की तरफ। कोई दिक्कत? सबको समझ में आ जाना चाहिए। आ गया सर। इसको रेंज आप क्वाड्रेटिक से भी टैकल कर सकते थे। किससे सर? क्वाड्रेटिक का रेंज होता है -D/4 से इनफाइनाइट ना। हाँ 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 न्यूनतम मानना। हाँ हाँ तो -D/4। हाँ जो इक्वेशन क्वाड्रेटिक की बनी थी वो -D/4 करेंगे तो वहीं से 36 आ जाएगी डायरेक्ट। अच्छा 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 नहीं सर उसका रूट लेना पड़ेगा मेरे ख्याल से। हाँ हाँ नहीं उसके बाद 36 का तो रूट लेंगे PQ² का। हाँ 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 ये इसका न्यूनतम मान जो आएगा वो -D/4 आ जाएगा है ना सर। बीस बी स्क्वायर माइनस फोर इसी का होल अपॉन 4A। हाँ हाँ ठीक है सर। हाँ सर वो भी संभव है। तो आप लोग लिख लीजिए वर्ग समीकरण का जो होता है न्यूनतम मान और अधिकतम मान जो हुआ करता है -D/4A। अब वो डिपेंड ये करता है कि वर्ग समीकरण कैसा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो आपका वर्ग समीकरण है उसका धनात्मक मान जो है जैसे ax² + bx + c है = 0 है, तो a अगर धनात्मक है तो ऊपर की तरफ इसका मुंह खुलेगा पैराबोला का, और यहाँ पर इसके दो रूट अगर मिल गए अल्फा बीटा तो यहाँ पर इसकी न्यूनतम वैल्यू मिलेगी। और ये पॉइंट होता है कितना सर, -B/2a। और ये जो वैल्यू निकलती है इसकी कितनी निकलती है सर, -D/4a। नोट कर लीजिए सभी लोग, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है इसलिए मैंने लिखवा दिया है। जी ये इसकी शॉर्ट ट्रिक जो सर ने बताई आप लोग को मित्रों, ये शॉर्ट ट्रिक है। डायरेक्टली -D/4a से इसका न्यूनतम मान आपके पास आ जाएगा PQ² का। और ये इक्वेशन है सर पॉलिनोमियल y = ax² + bx + c के लिए। जी हाँ ये पॉलिनोमियल के लिए है y = ax² + bx + c के लिए। क्वाड्रेटिक के लिए नहीं है ना? नहीं क्वाड्रेटिक में लग जाएगा। इक्वेशन का तो केवल पॉइंट मिलेगा। हाँ, केवल अल्फा बीटा। क्वाड्रेटिक में तो आपको अल्फा बीटा मिलेगा मगर ये इन जनरल जो है पॉलिनोमियल के लिए सूट करेगा। पॉलिनोमियल का ये ग्राफ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक की वैल्यू अगर लेस देन 0 की तो उसके लिए दूसरा होगा ना। हां डाउनवर्ड पैराबोला बन जाएगा उसका जो अधिकतम वैल्यू निकलेगी। फिर अधिकतम वैल्यू निकलेगी क्यों सर? हाँ 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 बिल्कुल वो -∞ D/4a। हाँ फिर आपकी अधिकतम वैल्यू निकलेगी D/4a। चलिए देखिए अगर आपका a लेस देन 0 हो गया तो पैराबोला जो है आपका इधर की ओर खींचेगा, बोलिए हाँ हाँ डाउनवर्ड। और आपका दो रूट आपके अल्फा बीटा यहीं कहीं कहीं पर मिलेंगे, बोलिए हाँ हाँ। और यहाँ पर आपको जो है α+β/2 मतलब -B/a का आधा मतलब -B/2a पर जो वैल्यू मिलेगी आपको इक्वेशन की ax² + bx + c की कितनी मिलेगी D/4a। सर ये भी -D/4a होती है कि D/4a? -D/4a सर। चलिए तो याद रखिए -D/4a। ओके तो अधिकतम या न्यूनतम मान जो आएगा -D/4a आएगा, इस मेथड से भी आप निकाल सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर चले मित्रों। ये हो गया ये हो गया ये कोई दिक्कत है बताएं मित्रों? 9 लोग जुड़े हुए हैं, बताएं सभी लोग। चलो ओके तो अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। ये तो कर चुके हैं। अगला सवाल कह रहा है इंजन की शक्ति। आइए पढ़ा दिया जाए शक्ति। लिखें मित्रों शक्ति, शक्ति क्या होती है? कार्य करने की दर, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। या ऊर्जा खर्च करने की दर, ऊर्जा खर्च की दर को बोलते हैं शक्ति। अगर टी सेकंड में डब्लू कार्य हो जाता है तो एकांक सेकंड में होने वाला कार्य W/T। एकांक सेकंड में खर्च किए हुए कार्य को ही शक्ति बोलते हैं। तो शक्ति बराबर P बराबर W/T ये हुआ करता है। P
पी बराबर डब्ल्यू बाई टी, और इसका मात्रक होता है जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड को जेम्स वाट के सम्मान में वाट का नाम दे दिया गया। ओके, तो इसका मान जो है वो है जूल पर सेकेंड, इसकी इकाई जूल पर सेकेंड अर्थात वाट। चलिए अब देखिए, अगर शक्ति ऊर्जा, अगर ऊर्जा जो है स्थितिज ऊर्जा के रूप में कमा ली जाए, अगर किसी कहीं पर किसी चीज़ की ऊर्जा कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में कमा लिया जाए, जैसे मान लीजिए आप सीढ़ी में चढ़ करके कोई हाथ में बोझा लेकर के आप h ऊंचाई तक चले जाएं, तो वहाँ पर आपका जो किया गया कार्य होगा स्थितिज ऊर्जा के रूप में उस ब्लॉक पर संचित हो जाएगा जिसको आप घसीट के लेके गए हैं। और अगर h ऊंचाई पर धरातल से वो ब्लॉक रखा हुआ है जिसका द्रव्यमान m है, तो गुरुत्व g के प्रभाव में किया गया कार्य बराबर होगा एम जी एच, कार्य बराबर एम जी एच। क्यों होगा? क्योंकि भैया कार्य का फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, कार्य बराबर होता है बल गुणे दूरी, बल्कि बल गुणे बल की दिशा में दूरी, ये है बेस्ट फॉर्मूला, बल गुणे बल की दिशा में दूरी। तो जब आप इस ब्लॉक को रखते हैं नीचे की तरफ है, तो इस ब्लॉक का नीचे की तरफ बल लगता है भार बल, जिसको बोलते हैं एम जी। इस ब्लॉक को उठाने के लिए आप कितना ऊपर की तरफ बल लगाएंगे एम जी, और एम जी बल लगा करके आप कितनी दूरी ज़मीन से ट्रेवल करते हैं एच, इसलिए बल लगाया एम जी और दूरी गए एच, तो किया गया कार्य बन गया क्या एम जी एच। तो यही होता है एम जी एच, और इसी को बोलते हैं किया गया कार्य ऊपर जा करके स्टोर हो जाएगा, यहाँ पर ये बॉडी जा करके ऊर्जा धारण कर लेगी और वही ऊर्जा कहलाएगी स्थितिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा को यू से दिखाते हैं, मगर फॉर्मूला हुआ करता है एम जी एच, जो फॉर्मूला हुआ करता है वो होता है एम जी एच। जी हाँ, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये अपने पास आ गया फॉर्मूला एम जी एच। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है उस इंजन की अश्व शक्ति क्या होगी? हाँ भाई, अश्व शक्ति मतलब हार्स पावर में आपको फॉर्मूला चाहिए। किस में चाहिए? हार्स पावर में। तो सबसे पहले लिख लो वन हार्स पावर इक्वल टू 746 वाट। ओके, तो वन वाट बराबर एक वाट बराबर एक बटे 746 हार्स पावर। तो अगर वाट को हार्स पावर में करना हो तो भाग दे देना, और हार्स पावर को वाट में करना हो तो गुणा कर देना। आइए सवाल करते हैं, उस इंजन की अश्व शक्ति क्या होगी जो 100 मीटर गहराई से 3 किलोग्राम पानी प्रति सेकंड ऊपर की ओर खींचता। आहा, 300 किलोग्राम पानी प्रति सेकंड, मतलब 300 किलोग्राम प्रति सेकंड, मतलब ये क्या है? ये है द्रव्यमान की दर है, ये है एम अपॉन टी। 300 किलोग्राम प्रति सेकंड है, पर सेकंड, सेकंड मतलब समय, तो ये है एम बाई टी। तो m बाई टी इसमें दिया हुआ है, और कितना पानी खींच दिया भैया 100 मीटर, मतलब जो h है वो कितना खींच करके गया है 100 मीटर। और अभी हम आपको फॉर्मूला पढ़ा दिए हैं कि पावर इज इक्वल टू होता वर्क अपॉन टाइम, और वर्क बराबर हो गया एम जी एच अपॉन टी, मतलब वर्क की जगह क्या लग गया एम जी एच अपॉन टी। तो आइए देखते हैं, तो m पावर बराबर एम जी एच अपॉन का टी, तो एम बाई टी को संग ले लो, क्योंकि एम बाई टी की वैल्यू इन लोगों ने दे रखी है कितना 300 किलोग्राम पर सेकेंड दे रखी है, इनटू जी का मान 9.8 होता है, मगर रफली मान मान लो 10, और हाइट कितना ऊपर ले जा रहा भैया, हाइट ले जा रहा है कितने मीटर, क्वेश्चन में दिया है 100 मीटर, तो 100 मीटर की हाइट दे दो। चलिए शक्ति निकलने वाली है 300 गुणे 10 गुणे 100, मतलब कि 3 × 10^5, 50 हो गए क्या वाट, मगर वाट को बदलना है अपन को अश्व शक्ति में, तो 3, एक काम करो 3 जीरो इसको दे दो, 1 2 3, 3000 हो गया, और 10^2
और वाट को अश्व शक्ति बदलने के लिए नीचे 746 का भाग दे दीजिए तो ये हार्स पावर आ जाएगा। अब आप अपने अपने कैलकुलेटर में डिवाइड करके देख लीजिए, ठीक है ना, 3000 बटे 746 गुणे 10 की पावर 2, यकीनन आंसर यहीं पर इतना ही आएगा। बोलिए समझ में आया सभी को? नहीं आया? अरे भैया कछु तो बोल दो। आ गया सर। हाँ ठीक है भाई, कुछ नहीं है, है ना, MGHYT कर दिया और आ गया, खेल खत्म। चलो भाई अगला सेकंड, अगला सवाल। स्टोन फॉल्स, इंग्लिश में नहीं पढ़ेंगे हिंदी में पढ़ेंगे, एक पत्थर जो विरामावस्था से किसी ऊंचाई पर 5 सेकंड में पहुंचता है, यदि गिरने के 3 सेकंड बाद पत्थर को रोककर फिर गिरने दिया जाए तो बताइए पृथ्वी पर यह कितनी देर में पहुंचेगा। बहुत अच्छा सवाल। एक पत्थर है जो विरामावस्था से पृथ्वी पर 5 सेकंड में पहुंचता है, तो भैया 5 सेकंड में पहुंचता है तो आप इसकी हाइट निकाल सकते हैं, इस कंसेप्ट का यूज़ करके इसकी आप हाइट निकाल सकते हैं, ठीक है। एक बार क्वेश्चन सभी लोग पूरा देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें लेना हो तो। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब भैया अब हमारे पास क्या है देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि एक पत्थर है जो विरामावस्था से गिरता है, यू बराबर जीरो से गिरता है, और कहाँ गिरता है, पृथ्वी पे आके गिरता है, ये अपने पास ग्राउंड है तो पृथ्वी पे आकर के गिरता है कितने सेकंड में, 3 सेकंड में, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ आने में ये 3 सेकंड लगाता है, 3 सेकंड में गिर जाएगा, मतलब पूरी ऊंचाई तय करने में इसको कितना लगा, एक मिनट, 3 सेकंड, 5 सेकंड, सॉरी 5 सेकंड में गिर जाता, मतलब पूरी ऊंचाई तय करने में इसको कितना लगा, 5 सेकंड। तो 5 सेकंड में मैं इसके द्वारा चली गई दूरी निकाल लेता हूँ, तो क्या होता है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो s की जगह यहाँ आएगा हाइट या डेप्थ, गहराई जो है, ओके बराबर u कितना है, ड्रॉप कर रहे हो जीरो, तो जीरो हो गया, इनटू टाइम का कोई मतलब नहीं है, प्लस 1/2, ओके मैंने नीचे की तरफ h को धनात्मक माना है तो एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ काम करेगा जी का, तो उसे भी मैं धनात्मक मान सकता हूँ, तो इनटू कितना ले लिया मैंने, जी और टी का स्क्वायर, मतलब 25, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, तो एच बराबर हाफ 25/2 g, ये है टोटल गहराई। कहिए इसमें कोई दिक्कत है तो, कहिए इसमें कोई दिक्कत है तो, कोई दिक्कत, चलिए आप लोग बोल नहीं रहे हैं सर, क्लियर है यहाँ तक? यस सर, यस सर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि अगर मैं इसको यहीं पर 3 सेकंड में रोक लूँ, टी बराबर 3 सेकंड में यदि रोक लूँ, तो सबसे पहले टी बराबर 3 सेकंड में चली गई दूरी याद करिए s3, तो फिर से 0 × टाइम 3 सेकंड प्लस 1/2 नीचे की तरफ जी और 3 का स्क्वायर मतलब 9, तो s3 बराबर कितना हो गया 9g/2, ये s3 आ गया मेरा 9g/2। अब कह रहा है कि यदि इसको रोक लिया जाए तो, रोक कर फिर से गिरने दिया जाए तो कितने देर में गिरेगा। ओके चलो भैया आपने यहाँ पर रोक लिया हमें, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की चली गई जो गहराई है वो है 9g/2, और टोटल गहराई है 25d/2, मतलब जो बची हुई दूरी है जिसको आप हमसे चलवाना चाहते हैं वो दूरी कितनी है, वो दूरी है s5 - s3, दोनों के बीच की दूरी, मतलब 25g/2 - 9g/2, मतलब कितना हो गया भैया यहाँ पे 9g/2, 25g/9 = 25 क्या है 16, 16g/2 मतलब 8g, मतलब जो बची हुई दूरी है वो कितनी है टोटल 8g। अब कह रहा है कि ये दूरी अगर पत्थर को दोबारा रोक करके यहाँ छोड़ा जाए तो कितने समय में पहुँचेगा। ओके फिर से लगाते हैं, तो s बराबर ut प्लस हाफ at² से, s बराबर कितना है 8g, u बराबर कितना है 0 हो जाएगा, प्लस 1/2,
ए कितना लगेगा, जी ही तो लगेगा डाउनवर्ड, और टी पता करना है कि कितना समय है। जी से जी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2 8 16, समय टी बराबर 4 सेकेंड आएगा, क्योंकि 16 का रूट ले लोगे तो 4 सेकेंड आएगा। बोलिए सर, सूरज सर समझ में आया, क्लियर है एकदम, बढ़िया क्लियर, हाँ सर क्लियर हो गया, एकदम क्लियर है सर। चलिए सर, तो इस तरीके से ये वाला प्रश्न भी अपना हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, टी बराबर 4 सेकेंड। हाँ, इसका फॉर्मूले का आप लोग रट लीजिए, लिख लीजिए। अगर कोई दीर्घवृत्ती क्षेत्रफल है जिसके लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष ए और बी हैं, और 2r लंबाई के व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण आपको निकालना है, 2r लंबाई के व्यास के सापेक्ष आपको जो है जड़त्व आघूर्ण आपको निकालना है, तो कौन सी आकृति है ये, ये है आपका एलिप्स, एलिप्स का जड़त्व आघूर्ण 1/4m ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर, 1/4m ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 4। नोट कर लीजिए, जड़त्व आघूर्ण यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2r लंबाई के अक्ष के पड़ता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हालांकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके सिलेबस में नहीं है, तो आने के चांसेस बहुत कम हैं। अब वैसे तो सिलेबस में देखिए, आपके सिलेबस में वो नहीं लिखा है, क्या बोलते हैं, बलयुग्म का प्रभाव, मगर पिछले बार के पेपर में, TGT के पेपर में बलयुग्म दिया था, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिलेबस में नहीं हैं, फिर भी आपके उसमें आ जाती हैं। चलिए अगला सवाल, जड़त्व आघूर्ण किसी ठोस गोले का जिसका द्रव्यमान m है और त्रिज्या a है, उसके स्पर्श रेखा पर जड़त्व आघूर्ण होगा। चलिए अब हम थोड़ा सा आपको जड़त्व आघूर्ण पढ़ाए देते हैं, लिखिए जड़त्व आघूर्ण। हाँ, तो जड़त्व आघूर्ण जो होता है वो होता है I। तो I का मान सरल शब्दों में हम आपको बता देते हैं, किसी भी चीज के घूमने में होने वाली रुकावट, रुकावट की माप। जैसे मान लो आप किस चीज़ को, कोई गोला उला है उसको आप लेके घुमा दो, अब वो घूमेगा धीरे 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 करके रुक जाएगा, धीरे धीरे करके रुक जाएगा, समझ गए। अब जैसे मान लो दो पंखे हैं, एक छोटा वाला पंखा है और एक बड़ी पंखी वाला पंखा है, आप देखे होंगे बड़ी पंखी वाला जो पंखा होता है वो जब घूमने के लिए थोड़ा वक्त लेता है, वो देर में तेज़ी से घूमता है और रुकने में भी देर में रुकता है, मगर ये जो छोटी पंखी का पंखा होता है ये फर्र से चालू हो जाता है और बंद भी जल्दी हो जाता है, मतलब इसकी घूमने की रुकावट कम है, मतलब इसका आई कम है, और इसकी घूमने की रुकावट ज़्यादा है, मतलब इसका आई ज़्यादा है। ये जो आपने सुना ये कहलाता है जड़त्व आघूर्ण, ये जो आपने सुना, ये जो मैंने आपको नेचर बताया, ये कहलाता है आपका जड़त्व आघूर्ण, ठीक है, ये जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। अब देखिए जड़त्व आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है कॉमन, वो होता है आई बराबर एम आर स्क्वायर, आई बराबर एम आर स्क्वायर। अब ये एम आर स्क्वायर कब लगता है, ये है मित्रों घूर्णन अक्ष, ये है घूर्णन अक्ष, और घूर्णन अक्ष के सापेक्ष खूंटा में एक ठे डोरी बांध के गले में लटका दिए, द्रव्यमान है m, और ये m जो है इस घूर्णन अक्ष के परितः वृत्ताकार मार्ग में घूम रहा है, तो इसका जो बनेगा जड़त्व आघूर्ण वो होगा I बराबर एम आर स्क्वायर। ये नोट कर लीजिए, कोई किसी बिंदु का जड़त्व आघूर्ण होता है I बराबर एम आर स्क्वायर, और यहीं पर जब ये बिंदु घूम रहा है तो इसको घुमाने के लिए आप क्या लगा रहे हैं, बल, यहाँ लगा रहे हैं बल, तो ये बल है, तो इसको घुमाने के लिए आप बल दे रहे हैं, और यहाँ से लंबवत दूरी कितनी है R, तो इसको घुमाने के लिए बल और R, R दूरी पर बल लगाते हैं तो क्या बनता है आघूर्ण, क्या बनता है आघूर्ण। तो बल F का आघूर्ण कहलाता है टाऊ बराबर आर क्रॉस एफ,
टाउ बराबर आर क्रॉस एफ। नोट कर लीजिए, ये इसका क्वेश्चन 2021 में आया था, आघूर्ण बल का आघूर्ण बराबर आर क्रॉस एफ। ठीक है ना, जब आप दरवाज़ा में बल लगाते हैं तो दरवाज़ा घूमता है, दरवाज़ा क्या होता है, घूमता है। तो वो जो आपका दरवाज़ा घूमता है वो घूमने का प्रभाव कहलाता है आपके द्वारा हैंडल पर लगाए गए बल का आघूर्ण। आपका दरवाज़ा होता है और दरवाजे में हैंडल में आप बल लगाते हैं और वो घूमने लगता है तो वो बल का आघूर्ण कहलाता है, और उसको निकालने का तरीका होता है टाउ बराबर आर क्रॉस एफ। अब अगली थ्योरम की बात करें। हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे थे, जड़त्व तो आघूर्ण। तो भैया जड़त्व तो आघूर्ण कुछ कुछ चीज़ों के याद कर लो बिल्कुल, जैसे बहुत बार आया है एग्जाम में ठोस गोला, जो हथगोला हुआ करता है, जो गोला फेंक में फेंकते हैं, ठोस गोला जो पूरा भरा रहता है, तो इस ठोस गोले की त्रिज्या आर है, तो इसका जड़त्व आघूर्ण याद कर लो आई बराबर 2/5 एम आर स्क्वायर। हम रटे हैं, अभी तक हमको रटा हुआ है, 12वीं क्लास में रटे थे, ठीक है ना। आई बराबर 2/5 एम आर स्क्वायर, ये हुआ करता है जड़त्व आघूर्ण ठोस गोले का, ठोस गोले का जड़त्व आघूर्ण 2/5 एम आर स्क्वायर। खोखला गोला का जड़त्व आघूर्ण ज़्यादा होता है, कितना होता है खोखले गोले का जड़त्व आघूर्ण, आई बराबर 7/5 एम आर स्क्वायर, ये खोखले गोले का होता है, आई बराबर 7/5 एम आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद हम आपको एक थ्योरम बता रहे हैं जिसका नाम है समांतर अक्ष प्रमेय, जो कि बहुत ज़रूरी है जड़त्व आघूर्ण निकालने के लिए। तो लिखिए, हेडिंग डालिए समांतर अक्ष प्रमेय। एक होती है समांतर अक्ष प्रमेय और एक होती है लंबवत अक्ष प्रमेय। इन दोनों का इस्तेमाल करके आप जो है अलग अलग अक्ष के लिए जड़त्व आघूर्ण निकाल सकते हैं। अब समांतर अक्ष प्रमेय क्या कहती है, समांतर अक्ष प्रमेय कहती है कि अगर मान लो किसी बॉडी का जड़त्व आघूर्ण उसके केंद्र के परितः है आईसी, तो नए अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण जो होगा, नया वाला जड़त्व आघूर्ण, पुराना वाला का जड़त्व आघूर्ण कितना है आईसी, और नया वाला जड़त्व आघूर्ण कितना मान लो आईसी डैश, तो जो नया वाला जड़त्व आघूर्ण होगा वो कितना होगा, पुराना वाला जड़त्व आघूर्ण प्लस पूरी बॉडी का द्रव्यमान प्लस नए वाले और पुराने वाले के बीच की दूरी, नए वाले अक्ष पुराने वाले अक्ष के बीच की दूरी एम डी स्क्वायर, ये होगा। ये फॉर्मूला लगाएंगे, इसको बोलते हैं समानांतर अक्ष प्रमेय। अब आइए देखते हैं जो हमको फॉर्मूला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है किसी ठोस गोले का द्रव्यमान त्रिज्या ए हो तो स्पर्श रेखा पर जड़त्व आघूर्ण बताना है। तो ये देखिए भैया, ये ठोस गोला ले लीजिए और ठोस गोला का त्रिज्या कितनी है, ए है, ये बना लिया डायग्राम। तो त्रिज्या ए है, तो त्रिज्या ए है, ए त्रिज्या का ये वाले अक्ष के सापेक्ष आपको जड़त्व आघूर्ण बताना है। तो मैंने अभी बताया नया वाला जड़त्व आघूर्ण बराबर पुराना वाला जड़त्व आघूर्ण, ठोस गोले का जड़त्व आघूर्ण कितना होता है 2/5 एम ए स्क्वायर, क्यों त्रिज्या ए थी, प्लस ये लगाओ कुल द्रव्यमान कितना है m, और ये d कितना है भैया, d मतलब दूरी पुराने अक्ष की नए अक्ष की, तो वो भी कितनी है a का स्क्वायर, तो 5 ऊपर चला जाएगा और 5 और 2 7, तो आंसर 7/5 एम ए स्क्वायर। चलिए चेक करते हैं, तो बिल्कुल सही लगना है 7/5 एम ए स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए तो है, आंसर चेक करते हैं। हाँ जी, ये देखिए 7/5 एम ए स्क्वायर, त्रिज्या आर ले ली है इन लोगों ने, हमने ए ली है, बाकी इनका सलूशन गोली मारिए, हमारा सलूशन नोट कर लीजिए। सूरज सर ठीक है? हाँ हाँ सर ठीक है सर, आया समझ में, क्लियर एकदम कर पाए हम? जी जी। तो ये है सर समांतर अक्ष प्रमेय, और इसका सवाल हर एक साल पीजीटी वालों को पक्का रहता है सर, ये पीजीटी वालों को पक्के से आता है,
टीजीटी को मान लो कभी आया कभी नहीं आया, टीजीटी में डायरेक्ट पूछ लेता है कि आघूर्ण कितना है, मगर ये निकालने के लिए पीजीटी को आता है। चलिए सर अगला सवाल करते हैं। हाँ हाँ जी, अब ये देखिए इसमें थोड़ा सा ये जो है ये पीजीटी का क्वेश्चन है, इसको अभी मैं नहीं करवा रहा हूँ, ये पीजीटी का क्वेश्चन डिफिकल्ट लगेगा आप लोग को। हाँ ये वाला क्वेश्चन कीजिए, चलिए ये करिए क्वेश्चन, बहुत आसान है। एक कण को यू गति से प्रक्षेपित किया जाता है जिसमें उसका क्षैतिज समतल पर परास उसकी महत्तम ऊंचाई का दोगुना है, तो परास क्या होगा? शायद कल मैंने करवाया था ये क्वेश्चन, बताइए कराया कि नहीं कराया। बनेगा कि नहीं बनेगा बोलिए। मित्रों बाकी लोग तो बोले कुछ, भाई कुछ भी बोल दें, बनेगा नहीं बनेगा, ट्रायल कर रहे हो, जो मन में आए वो बोल दो भाई। नहीं बनेगा सर। अच्छा जी चलिए देख लीजिए, एक कण को यू गति से प्रक्षेपित किया जाता है। हाँ बोलिए, हम लोग कर चुके हैं ना ये क्वेश्चन शायद। चलिए ठीक है, फिर भी नहीं बना है, एक हमारे सर से नहीं बना तो उनके लिए बताना पड़ेगा। एक कण को यू गति से प्रक्षेपित किया जाता है जिससे उसका क्षैतिज समतल पर परास हो चुका है क्वेश्चन उसकी। हाँ मेरे को लग रहा है ये हो चुका है, मैं करवा चुका हूँ इसको। चलिए ठीक है देख लीजिए एक बार, ये इसका सोल्यूशन है। आर बराबर टू एच करके साइन टेन थीटा बराबर टू निकाल देते हैं, तो साइन थीटा कॉस थीटा, और फिर याद करिए मैंने यू साइन थीटा और यू कॉस थीटा के दो जोड़े बनवाए थे। ओके तो यहाँ पे यू स्क्वायर और साइन थीटा और टेन कॉस थीटा की वैल्यू रख देंगे, 1/√5 अपॉन जी, तो 4u² / 5g। बताइए सर अभी भी कोई दिक्कत है, कराऊँ क्या इसको सॉल्व? नहीं सर करा हो जाएगा सर। हाँ जी चलिए सर, हाँ अगला लिखिए, किसी यौगिक पेंडुलम का आवर्तकाल, कंपाउंड पेंडुलम एक प्रकार का पेंडुलम होता है उसका आवर्तकाल, कंपाउंड पेंडुलम का आवर्तकाल आर लिखा है, आर का मतलब रट्टा। देखिए क्वेश्चन की कैटेगरी हमने दी है आर, आर का मतलब रट्टा, चाहे आप डिराइव करोगे दो पन्ने का तब भी आपको यही याद करना पड़ेगा, कंपाउंड पेंडुलम का आवर्तकाल होता है 2π√i/mgd। लिख लीजिए संयुक्त लोलक का आवर्तकाल, संयुक्त लोलक का आवर्तकाल जो होता है वो होता है 2π√i/mgd, 2π√i/mgd, 2π√i/mgd। क्या होता है इसमें? डी यहाँ पे घनत्व होता है उसका, ठीक है 2π/√mgd। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर दो बराबर तथा पूर्ण प्रत्यास्थ गोले टकराते हैं 90 डिग्री पे, तो देखिए कैसा होता है, याद रखिए इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है। मान लीजिए ये आपके पास एक पहला गोला आया इस दिशा में आया, और दूसरा गोला आपका इस दिशा में आया, और दोनों टकरा गए, तो टकराने के बाद अगर ये प्रत्यास्थ टक्कर है तो एक यहाँ जाएगा और एक यहाँ जाएगा, और दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री होगा, बस इतना याद रख लीजिए। तो ये जो क्वेश्चन आया है कह रहा है दो बराबर और पूर्णतया प्रत्यास्थ, लिख दिया ना पूर्णतया प्रत्यास्थ, पूर्णतया प्रत्यास्थ मतलब ऊर्जा गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, तो कह रहा टकराने के बाद दिशा होगी, आंसर कितने डिग्री? 90 डिग्री, तो इसका आंसर होगा समकोण, ये देख लीजिए ए ऑप्शन है समकोण, ठीक है ना, बस ऐसा डायग्राम बना लीजिए
ये है प्रत्यास्थ संघट। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। टू फोर्सेस पी एंड क्यू हैव रिजल्टेंट आर एंड द रिजॉल्व पार्ट ऑफ आर इन द डायरेक्शन ऑफ पी इज ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू, द एंगल बिटवीन द फोर्सेस इज। इसको पहले हिंदी में लिखिए, मैं हिंदी में इसका प्रश्न लिखवा दूं। पहले मैं हिंदी में इसका प्रश्न लिखवा दूं। लिखो दो बलों पी तथा क्यू का परिणामी आर है। दो बलों पी तथा क्यू का परिणामी आर है तथा आर का पी की दिशा में वियोजित घटक का परिमाण क्यू है, तो P तथा Q के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए। देखिए फिर से आ गया PGT का क्वेश्चन, मतलब PGT लेवल में क्वेश्चन गया और क्वेश्चन की दम बहुत भयंकर बढ़ जाती है एकदम से। अब ये क्वेश्चन है अपना PGT का लेवल का चला गया है, अब देखो ये एकदम से दमदार हो गया। यही ये TGT में आता तो ज़्यादा से ज़्यादा बलों का परिमाण वही अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा से ज़्यादा नहीं खींचता सवाल। इतने सवाल मैंने इसके लगा लिए हैं, अब मुझे इस चीज़ का अनुभव भली भांति हो गया है कि जो TGT का कंसेप्ट है वो बिल्कुल एक लाइन या दो लाइन वाला फार्मूला आएगा, उनको मतलब आपकी डॉक्टरी से नहीं है, वो आपका एप्लीकेशन पार्ट चेक कर रहे हैं बस, कि आपको फार्मूला याद है, आप एप्लीकेशन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अब आप ये देखिए, ये जो सवाल है ये आपकी पूरी डॉक्टरी चेक कर लेगा। अब आप देखिए इस सवाल को और आपको पता चलेगा कि PGT में सेलेक्ट होना भैया बहुत ही दिक्कत वाली बात है, बहुत ज़्यादा लेवल है PGT एग्ज़ाम का। तो मान लीजिए दो सदिश हैं पी और क्यू, ये पी है और क्यू है, इसके बीच का कोण थीटा मान लीजिए, और अब पी और क्यू के बीच का कोण थीटा है तो एक काम करिए, परिणामी निकालने के लिए समानांतर चतुर्भुज बनाइए, क्योंकि नियम ही होता है समानांतर चतुर्भुज। तो ये एक वेक्टर क्यू है तो यहाँ इसके समानांतर भी वेक्टर क्यू बनेगा, और ये वेक्टर पी है तो इसके समानांतर भी वेक्टर पी कहलाएगा, क्योंकि वेक्टर के समानांतर दूसरे वेक्टर खींचे जा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए के समानांतर आप कितने सारे ए खींच लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये सदिश ए है तो इसके नीचे भी क्या होगा ए ही होगा, नीचे भी क्या होगा ए ही होगा, नीचे भी क्या होगा ए ही होगा, सारे सदिश एक ही दिशा को बताएंगे, और आपने यदि सबकी लंबाई सेम कर रखी तो सबके सब एक परिमाण को भी बताएंगे। फिलहाल आइए यहाँ पर इस घटक को वियोजित कीजिए, और यहाँ पर आ गया ये इसका परिमाण जिसका नाम है आर। चलो भैया आर। अब देखिए ये क्यू है, ये एंगल कोण थीटा है, ये कोण कितना है थीटा है, तो जब ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी कितना होगा भैया थीटा, क्यों होगा संगत कोण। और ध्यान से देख लो कि ये पी और ये क्यू के बीच का कोण है, और यहाँ पर ये किसके बीच का कोण है भैया, यहाँ भी तो पी बाहर ही निकल रहा है और यहाँ भी तो क्यू ऊपर ही जा रहा है। बोलिए सूरज सर, हाँ या ना, हेलो। हाँ हाँ सर। तो यहाँ भी पी और क्यू के बीच का कोण थीटा है कि नहीं है बताइए। बिल्कुल सर, करस्पॉन्डिंग एंगल। बिल्कुल सर, करस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण यहाँ पे थीटा कोण है। तो भैया अब ये हो चुका है, इसके बीच का कोण थीटा है और ये हमारा जो सदिश जा रहा है क्यू है। ओके, अब इस सदिश के दो कंपोनेंट तोड़ दीजिए तो एक थीटा से चिपका हुआ कंपोनेंट क्या बनेगा, वो बनेगा क्यू कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट जो थीटा से दूर वाला बनेगा वो बनेगा क्या क्यू साइन थीटा। आता है सदिश आर का पी की दिशा में घटक, सदिश आर का सदिश पी की दिशा में घटक। देखिए सदिश आर ये है, ये सदिश आर है परिणामी, अब परिणामी सदिश का पी की दिशा में घटक कितना बन रहा है,
पी प्लस क्यू कॉस थीटा, पी प्लस क्यू कॉस थीटा। बोलिए सर बना कि नहीं बना, बताइए सर। सदिश आर का सदिश पी की दिशा में घटक पी प्लस क्यू कॉस थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल सर बिल्कुल। सदिश आर जो है पी की दिशा में इतना ही तो टूट रहा है भैया, और यहाँ तक आने में अपन ने पी और क्यू कॉस थीटा दो चीज चल ली हैं, तो सदिश आर का पी की दिशा में घटक पी प्लस क्यू कॉस थीटा बना ना। हाँ, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो घटक है इन द डायरेक्शन ऑफ पी उसका मैग्नीट्यूड क्यू है, मतलब पी प्लस क्यू कॉस थीटा काहे के बराबर है, क्यू के बराबर है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, तो हमसे पूछ रहा है एंगल बिटवीन द फोर्सेस, तो हमसे दोनों बलों पी और क्यू के बीच का एंगल, मतलब हमसे ये थीटा पूछ रहा है। तो पी प्लस क्यू, चलिए आइए देखते हैं। तो पी बराबर क्यू माइनस क्यू कॉस थीटा, पी बराबर क्यू कॉमन ले लीजिए वन माइनस कॉस थीटा, पी बराबर क्यू वन माइनस कॉस थीटा मतलब टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, तो पी अपॉन टू क्यू बराबर हो गया साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। ओके, साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, तो थीटा बाई टू बराबर हो जाएगा, थीटा बाई टू बराबर हो जाएगा, सबसे पहले साइन थीटा बाई टू बराबर हो जाएगा अंडर रूट पी बाई टू, क्यों कहे कि रूट ले लिया, और अब थीटा बाई टू चाहिए है, थीटा बाई टू बराबर हो गया कितना, साइन इनवर्स अंडर रूट पी बाई टू क्यू। हमसे केवल कोण पूछा गया है तो टू को भी ऊपर उछालना पड़ेगा, तो थीटा बराबर टू साइन इनवर्स अंडर रूट पी अपॉन टू क्यू। ये देखते हैं आंसर, थीटा बराबर टू साइन इनवर्स अंडर रूट पी बाई टू क्यू, टू साइन इनवर्स पी बाई टू क्यू, देखिए ऑप्शन नंबर ए है, बताइए सर है ना? बिल्कुल सर। हाँ तो देखिए सर, इसमें ये है भैया, पूरा अगर आपको कंसेप्ट आता है तो आप तब तो कर पाएंगे पीजीटी का क्वेश्चन, और अगर पूरा कंसेप्ट नहीं आता है तो कहीं भी घुमा देगा। थोड़ा सा पीजीटी के क्वेश्चन डिफ़िकल्ट रहते हैं। ये देखिए इस तरीके सॉल्व किया है ना, जैसा हमने सॉल्व किया है। आइए तो नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। डन, आगे बढ़ने की इजाज़त है, बस करिए सर, हो गया एक घंटे। अच्छा सर, ठीक है सर। सर एक बार वो डायग्राम, हाँ डायग्राम, डायग्राम सामने बना हुआ है मैडम, देखिए सर एक बार वो डायग्राम जो आपने, हाँ क्या उसको क्या कर दें, एक्सप्लेन करें क्या उसको? सामने बना हुआ है मैडम, देखिए। क्लियर है मैडम? नहीं सर। हाँ ठीक है, उसको एक्सप्लेन कर देते हैं ना एक बार और। जी जी सर। हाँ जी एक्सप्लेन कर देते हैं, आइए देखते हैं। तो कह रहा है दो सदिश हैं, तो कोई भी दो सदिश आप ले लीजिए, है ना। दो सदिश वैसे जनरली हम क्या मानते हैं, पी और क्यू। तो यहाँ पे भी डायग्राम में हम एक सदिश मान लीजिए पी, और एक सदिश हमने मान लिया क्यू। ये सदिश पी है और ये सदिश क्यू है। अब हमें इसका परिमाण निकालना है, तो परिमाण निकालने के लिए क्या लगता है, समानांतर चतुर्भुज का नियम कहता है कि दोनों सदिशों को देख करके एक समानांतर चतुर्भुज मिलाओ, और दोनों वेक्टर जहां, दोनों सदिश जहां जा रहे हैं उनके प्रतिच्छेदन से जाता हुआ एक सदिश ले लो, यही कहलाएगा परिमाण, ठीक है ना, यही कहलाएगा इसका रिजल्ट, परिणामी सदिश, परिणामी सदिश, आर सदिश अर्थात परिणामी सदिश, ये कहलाएगा परिणामी सदिश। अब देखिए क्या कह रहा है, इसका कहना है कि परिणामी सदिश जो है वो कोण बना रहा है दो सदिशों के साथ, एक ऊपर वाले के साथ एक नीचे वाले के साथ, और परिणामी सदिश ये इनके बीच का कुल कोण कितना था, थीटा था। अगर ये थीटा है तो ये वाला कोण भी क्या होगा, थीटा, संगत कोण से। अब कह रहा परिणामी सदिश के घटक कर दो, तो परिणामी सदिश आर यहाँ तक है, और ये क्या है पूरा का पूरा, ये है सदिश पी, सदिश पी। तो आर के अगर आप घटक तोड़ोगे तो कैसे टूटेंगे, ये क्यू है
तो ये भी कितना है, ये है सदिश क्यू। अब आप जानते हैं क्यू का एक टूटेगा क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक मतलब ये वाला, क्या टूटता है, हमेशा किसी भी चीज़ से चिपका हुआ घटक होता है कॉस का, तो ये वाला टूटेगा क्यू कॉस थीटा, और ये वाला घटक क्या टूटेगा, क्यू साइन थीटा। तो इसका जो पी की दिशा में घटक हुआ, पी की दिशा में, सदिश पी की दिशा में सदिश आर का घटक, सदिश पी की दिशा में सदिश आर का घटक क्या होगा, पी प्लस क्यू कॉस थीटा, ये होगा पी प्लस क्यू कॉस थीटा, ठीक है ना। और इसी क्वेश्चन में कहा गया है कि जो घटक है पी प्लस क्यू कॉस थीटा वो किसके बराबर है, वो पी के बराबर है, सॉरी पी के बराबर है क्यू के बराबर, देखिए जरा किसके बराबर है, भी देख लें, पी प्लस क्यू कॉस थीटा क्यू के बराबर है मित्रों, तो पी के बराबर नहीं क्यू के बराबर। तो आपने मैडम सवाल किया कि सर ये घटक समझा दीजिए, तो ये घटक मैंने आपको समझा दिया, बोलिए अब क्लियर है, अब कर लेंगे। हेलो कर लेंगे, चलिए ठीक है। अब देखिए ठीक है सूरज सर, हाँ हाँ सर ठीक है सर, तो अब क्लास ओवर की जाए, हाँ हाँ सर बिल्कुल सर ठीक है सर, ठीक है मित्रों। अच्छा सर, कल और परसों सूरज सर क्लास नहीं हो पाएगी, कल परसों, क्योंकि भैया मध्य प्रदेश में चल रहे हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, ठीक है, तो कल और परसों है ना, और कल परसों अभी टेंटेटिव तात्कालिक रूप से जानकारी कल और परसों की है, नर्सों हो सकता है अगर स्थिति बड़ी खराब हो गई तो कल और परसों जो है सर हम वहां रहेंगे चुनाव के प्रक्रिया में, इसलिए कल और परसों की क्लास हमारी तरफ से सर नहीं हो पाएगी है। ओके सर, ओके ठीक है, तो ठीक है भाई, बाकी सभी को नमस्कार, गुड नाइट।